वो कहते हैं ना, जब मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। हम या आ अगर किसी को भी छोटी सी चोट लग जाए तो हम काम करने से कतराते हैं, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके दोनों हाथ ना हो तो आपका जीवन कैसा होगा। इस बारे में तो सोचकर भी डर लगता है ना, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। हम इंसान अगर कोई काम करने की ठान ले तो रास्ते में कैसे भी अड़चन हो उसे पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही कारनामा किया है एक शख्स ने। दोनों हाथों से लाचार इस शख्स ने 15 घंटे तक मुंह और पैर का इस्तेमाल कर भारतीय विरासत पर एक सुंदर चित्र बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इस शख्स ने सूरत के नाम विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। सूरत के अर्चना विद्यालय में सुबह 7 बजे से दिव्यांग चित्रकार मनोज भिंगारे ने चित्र बनाना शुरू किया और लगातार 15 घंटे तक भारतीय विरासत पर अपने मुंह और पैर के जरिए कैनवास पर रंग बिखेर कर अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया। उनकी प्रतिभा को देख हर कोई सन्न रह गया। इतना ही नहीं, स्कूल के नाम एक और विश्व कीर्तिमान स्थापित है। 28 अक्टूबर को स्कूल में गीता श्लोक का पाठन शुरू किया गया था। विद्यार्थियों और स्टाफ ने मिलकर लगातार 75 घंटे तक संस्कृत के श्लोक का पठन किया। लगातार 75 घंटे तक श्लोक का पाठ कर सभी ने विश्व कीर्तिमान बनाया। यूनिवर्सल अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी इस दौरान मौजूद रही। टीम की ओर से चित्रकार मनोज भिंगारे और अर्चना विद्यालय को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। विश्व कीर्तिमान स्थापित करने पर सूरत की संकल्प एजुकेशन ट्रस्ट संचालित अर्चना विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीनिवास मिटकुल ने बताया कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास, समाज में बढ़ती आत्महत्याएं, वृद्धाश्रमों की संख्या रोकने और नकारात्मकता को दूर करने का संदेश देना है।